पटना के एसके पुरी मोहल्ले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 10 साल का मासूम दीपक नाले में गिर गया। लोगों के अनुसार बच्चा नाले के पास ही अपने पिता को खाना देने जा रहा था, तभी सम्प हाउस के पास खड़ी एक गाय ने बच्चे को सिंग मारने की कोशिश की और बच्चे का पैर फिसल गया, जिस वजह से बच्चा नाले में जा गिरा। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन ने नाले का पानी रोक दिया है। फिलहाल बच्चे को ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है और ऑपरेशन चलाकर बच्चे की खोज शुरू कर दी है। अच्छा, रात हो रही है तो इसमें कोई रेस्क्यू वर्क चलाने में तो कोई प्रॉब्लम डिफिकल्टीज नहीं आएगी? प्रॉब्लम ऊपर से स्वास्थ्य हम लोग का थोड़ा लेने में दिक्कत हो रहा है। गैस बन रहा है, गैस पूरा बन रहा है, पूरा नाला है जो गोल है, खुला कहीं पर नहीं है। सही बहुत गहराई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हमारे कैमरा में हवा बाहर से नहीं जाने के कारण हम लोग का गैस थोड़ा बना। ऑक्सीजन तो पर्याप्त है? ऑक्सीजन पर्याप्त है। आप रेस्क्यू वर्क चलाइए, आपके कितनी गहराई है जो है रेस्क्यू कर रहे हैं और क्या सब आप देखे और क्या लगा ये पूरी बात? मोबाइल तो वहाँ देखे कि पूरा कचरा है, उसका बोरा में शीशा उसका मिल रहा है, उसको उलट उलट कर देखे सर्च किए हैं। गहराई तो घर कमर से बेसी है, लेकिन उसमें थोड़ा गैस बना रहा है, इसके कारण थोड़ा क्या उम्मीद क्या है? इधर जो होल है उसमें हम अपने ड्राइवर्स को सर्च किए हैं, वो अभी पहला जो गैप था लगभग 100 फीट का, उसको क्लियर कर लिया। अब दूसरा पे लगे हुए हैं, तीसरा जो जहाँ पर ये है क्या बोलते हैं गटर जो बोलते हैं, उससे SDRF के लोग अंदर आ रहे थे और दूसरा गटर से SDRF के लोग जा रहे थे, तो मिलान करने की कोशिश करें। फिर में बहुत ज़्यादा ये है कचरा है, उसके आगे बढ़ना नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो उसको क्लियर कराते हैं, फिर उसके आगे ड्राइवर ही पूरा ऑपरेशन। क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं? उम्मीदें तो हम तो कोशिश करते हैं, उम्मीदें तो ऊपर वाले के हाथ में, वी ट्राई अवर बेस्ट। मासूम को तलाश करने के लिए पटना नगर निगम ने SDRF और NDRF की भी मदद ली है। नगर निगम के आला अधिकारी नाले के आसपास खुदाई करवा रहे हैं जिससे बच्चे को ढूंढा जा सके। वहीं मामले में पटना नगर निगम की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। यहां नाले को ढकने की कोई व्यवस्था नहीं दिखी। फिलहाल कुछ मजदूरों को ऑक्सीजन के साथ नाले के मेन हॉल में उतारा गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।